सिखों को बदनाम कर रही है। इस वक्त देश की राजनीति चरम सीमा पर है, कहीं आंदोलन को लेकर तो कहीं विधानसभा चुनावों को लेकर। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी, तो वहीं उन्होंने सिख समुदायों को लेकर भी बयान दिया जो भारत के सिखों को रास नहीं आया। और उसके बाद बीजेपी के सिख प्रकोष्ठ ने राहुल गांधी की आवाज के बाहर हल्ला बोला। इस दौरान लोग भड़कते हुए नजर आए, साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी की। देखिए, देखिए सीधी सीधी बात है, राहुल गांधी एक बड़े षडयंत्र का हिस्सा है जो कि देश को बदनाम करने के लिए विदेशी धरती से सब कर रहे हैं। वो विदेशी धरती से ये सब कर रहे हैं, भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैंने कल कहा था कि यही बयान अलगाववादी यूज करेंगे, आज हरीश चंद्र ने कहा कि हम तो कह रहे हैं कि भारत के अंदर सिखों को दिक्कत है। अब वह पूरी तय उम्र इस बात को कहेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन सिखों के बारे में ये कह रहे थे। इसी प्रकार का बयान राहुल गांधी ने तब दिया था जब कश्मीर में 370-35 से हटाया गया था, और उस बयान का उपयोग इमरान खान ने यूएन में किया था। वह लगातार आज वह ऐलान उमर से मिले हैं जो कि भारत विरोधी है। ये ISI का एजेंडा है, K2 का एजेंडा है। हमें अफसोस है कि राहुल गांधी उस K2 के एजेंडा का, जो ISI का एजेंडा है, उसके अंदर वह चलकर वह सिखों को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर सिखों को बदनाम करेगा तो सिख खुद को छोड़ेंगे नहीं। आज राहुल गांधी के खिलाफ यहाँ दिल्ली का हर एक सिख उसके विरोध में आया है। पगड़ी का अपमान, कड़े का अपमान, जो हमारे गुरुओं ने 5 चीजें हमें दी है, उसका अपमान नहीं सहेंगे। राहुल गांधी हाय हाय। राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूँ, 2014 से पहले जब कांग्रेस सरकार थी, इटली के अंदर पगड़ी बैन थी, सरकार भी इनकी था, प्रधानमंत्री भी इनका था, ये तब भी पगड़ी पर बैन नहीं हटवाए। बैन तब हटा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के बाद आई, तो 1947 में जब इन्होंने विभाजन विभीषिका करा, तब भी सिखों के साथ इन्होंने कत्लेआम करा। इतिहास गवाह है कि ये गद्दार। जाहिर है कि अमेरिका में राहुल गांधी से भारत में सिखों की सुरक्षा को लेकर सवाल किया गया, तो राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लड़ाई एक सिख व्यक्ति के लिए पगड़ी और कड़ा पहनने और गुरुद्वारे जाने की है। उन्होंने RSS पर कुछ धर्मों, भाषाओं और समुदायों को दूसरों से कमतर मानने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी, या वह एक सिख के रूप में गुरुद्वारे में जाने में सक्षम होगा। राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।